हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जे एस कॉमर्स क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे OCM में जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, न्यू सिलेबस की बात करेंगे हम। न्यू सिलेबस का जो भी 2021 का जो एग्जाम होगा उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है, कितने मार्क्स के लिए चैप्टर आने वाला है। ताकि जो अगर हमको पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो उस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते। ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे OCM में अगर 8 चैप्टर, अगर आप 4 या 5 चैप्टर भी करते हो तो आराम से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं वो वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना, ताकि आपको एंड तक समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस और विथ मार्क्स के साथ में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट का ये जो PDF है। सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 12। दिस इज द न्यू सिलेबस। ओके, न्यू सिलेबस के जो एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो चैप्टर्स है, टॉपिक है, जैसा सबसे पहला लेसन है तुम्हारा, चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल मार्क्स होगा 7 विथ ऑप्शन होगा 12। मतलब अगर आप पहला चैप्टर एकदम अच्छे से पूरा कर लेते हो तो आपको 12 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपका होगा टोटल मार्क्स 12 विथ ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन के साथ में करते हो तो 15 मार्क्स का होगा, 12 एंड 15। तो ये लेसन में से श्योर आपको एक डिफरेंस बिटवीन पूछता है, एक 12 फॉल्स आएगा बोर्ड एग्जाम में और एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको शॉर्ट नोट के लिए। थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी था, सेम ओल्ड सिलेबस में था, तो 5 मार्क्स लास्ट ईयर भी था, इस बार भी सेम 5 मार्क्स के लिए, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट के लिए। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस सर्विस, मतलब तुम्हारा 75% पोर्शन समझ जाओ, 27 मार्क्स बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। आउट ऑफ 80 मार्क्स 27 मार्क्स कवर करता है चैप्टर नंबर 4। जरा ध्यान से सुनना स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 आपका है 27 मार्क्स। अगर आप पूरा लेसन कर ले तो समझो कि आप OCE में पास हो जाओगे। विथ ऑप्शन होगा 27, टोटल मार्क्स होगा 2020। चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ द एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस 07 एंड विथ ऑप्शन होगा 10 मार्क्स। लेसन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टोटल मार्क्स होगा 10 विथ ऑप्शन होगा 7, टोटल मार्क्स होगा 7 विथ ऑप्शन होगा 10। कंज्यूमर प्रोटेक्शन थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, मार्क्स अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप, 07 टोटल मार्क्स होगा विथ ऑप्शन होगा 17। तो जहाँ तक कि चांसेस है, यहाँ से आपको एक डिफरेंस बिटवीन आने का चांसेस मोस्टली प्रॉबेबिलिटी होगा। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस सर्विस के बाद में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, डेट इज़ अ मार्केटिंग। जैसे लास्ट ईयर था तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से इस बार आपको होगा मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग के चैप्टर कर लेते हो तो टोटल मार्क्स होगा आपके लिए 15 कवर कर सकते हो और ऑप्शन के साथ में आपको 20 मार्क्स। अगर हम देखें खाली 2 चैप्टर अगर आप एकदम अच्छे से करते हो तो 50 मार्क्स का आप एग्जाम में लिख सकते हो, डेट इज़ अ 4 चैप्टर एंड 8 चैप्टर। मतलब 25% अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप 50% से भी ज़्यादा अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेते हो। अगर उसमें एक चैप्टर और ऐड कर ले तो डेट इज़ अ 7, तो आप अच्छा खासा 65 मार्क्स कवर कर सकते हो। एक चैप्टर और कोई ले लो सेकेंड, तो मतलब 4 चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप 80 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन वो 4 चैप्टर को आपको एकदम डिटेल में पढ़ना होगा, उसमें से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और ये सब जो ये सेम टू सेम होगा, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ आपका उसके लिए भी यही वाला एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी नॉलेज मिलेगी क्या कितने मार्क्स का चैप्टर होगा जो HSC में होगा आपके ग्रुप्स में। देखिए अभी तो कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे तो शायद से ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप हो गए स्पेशली HSC स्टूडेंट, उनको जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।